देखिए प्याज जो है तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है, ये आप कलर देख सकते हैं इसका। एक बड़ा टमाटर मैंने ले लिया था, मेरे पास फ्रोजन टोमेटोज होते हैं, मैंने इसको जो है बारीक चॉप कर लिया, फूल गोभी और शिमला मिर्च, ये सब कुछ जो है मैं एक साथ ही डाल रही हूँ। दो से तीन मिनट मैं इसको भूनूंगी थोड़ा सा तेज़ आग पे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप सबका है, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, ढाबा स्टाइल मिक्स सब्ज़ी। गर्मियों में जिसको मटन और बीफ खाने का दिल नहीं चाहता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी शेयर करूँ। ये बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी और बहुत अच्छी बनती है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं ढाबा स्टाइल मिक्स सब्ज़ी की। चलो हम स्टार्ट करते हैं मिक्स सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी के लिए जो है सबसे पहले वॉक में मैंने डाल दिया है ऑयल, ऑयल तकरीबन 1/4 कप मैंने ले लिया है। ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज, प्याज मैंने जो है दो बड़े साइज़ की बिल्कुल साइज़ की जो है मैंने प्याज ले लिया है और इसको रफली जो है चॉप कर लिया है, स्लाइस में किया है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस सौते करना है प्याज को। ये देखिए प्याज जो है तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है, ये आप कलर देख सकते हैं इसका। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक, मैंने फ्रेशली चॉप किया है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। गार्लिक डालने के बाद मैं थोड़ा सा सौते करूँगी गार्लिक को, इसकी थोड़ा स्मेल ख़त्म हो जाए ताकि इसकी। डालने के बाद अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ। मसालों में है मेरे पास हल्दी, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी इसके अंदर, 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हसबे जायका या 1 टीस्पून। मसाले डाल के मैं भून रही हूँ प्याज, के बाद लहसुन डाला मैंने, उसके बाद मैंने सारे जो है मसाले डाले इसमें। मेरे पास है एक बड़ा टमाटर मैंने ले लिया था, मेरे पास फ्रोजन टोमेटोज होते हैं, मैंने इसको जो है बारीक चॉप कर लिया है। सारे मसाले को जो है टमाटर के साथ भून रही हूँ मैं, आप चाहें तो टमाटर का जो है टमाटर को जो है ब्लेंड करके भी आप डाल सकते हैं। टमाटर को जो है मैंने भून लिया अच्छे तरीके से मसालों के साथ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आलू, आलू को मैंने क्यूब्स में काट लिया था, एक बड़ा आलू ले लिया मैंने। आलू को जो है पकने में थोड़ा सा टाइम जो है दूसरी सब्जियों के मुकाबले में ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने जो है आलू पहले डाल दिए। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी 1/2 कप और आलू को पका लूंगी, उसके बाद मैं दूसरे वेजिटेबल्स शामिल करूंगी। पानी डाल दिया मैंने, तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी आलू को, उसके बाद मैं जो है दूसरी सब्ज़ियाँ मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। पोटैटोज को चेक कर लेते हैं, पोटैटोज जो है हाफ डन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बैंगन, बैंगन को भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था और मैंने जो है पानी में भिगोते रख दिया था। एक फुल साइज़ का मैंने जो है बैंगन ले लिया, बैंगन डाल दिए मैंने, उसके बाद है मेरे पास मटर, फूल गोभी और शिमला मिर्च, ये सब कुछ जो है मैं एक साथ ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं आप वो सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा मॉइस्चर है इसके अंदर, तो सब्ज़ी इसके अंदर जितनी मैंने डाली है वो सब गल जाएंगी, इसके बाद एंड में हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये सब्ज़ियाँ तो ज़ाहिर सी बात है जल्दी जल्दी पक जाती हैं। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, और बस हमारी रेडी हो जाएगी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी। अब जो है हम सब्ज़ी को भी चेक कर लेते हैं, सब्ज़ी भी देखें कितनी अच्छी रेड कलर की, इसका ऑयल भी आ गया है और ये अच्छी सी भून गई है। अब बस मैं इसको 2 से 3 मिनट इसको भूनूंगी
थोड़ा सा तेज़ आग पे, क्योंकि सब्ज़ियाँ तो सारी गल चुकी हैं। आलू को मैंने पहले से ही पका लिया था। अच्छा सा जो है, देखिए सब्ज़ी भुन चुकी है, सब्ज़ी का जो है ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। पॉइंट पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके मैंने डाल दी है। और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। उसको स्प्रिंकल कर देंगे गरम मसाला और बस ये रेडी हो गई है। दो मिनट मैं इसको दम पे रख रही हूँ और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। सेम एक सब्ज़ी रेडी हो गई है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं और अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बना सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।